हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे तो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, एक प्लेन में भी हो सकता है, या एक स्पेस में भी हो सकता है, लेकिन क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो पोजीशन यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें एक ओरिजिन चाहिए, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, और तीसरा डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फिलहाल ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है और यह जो बी है वो ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पे है। अंतर दोनों का ये है कि यह ओरिजिन से राइट साइड में है और यह ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। क्योंकि दोनों ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन को बतलाने के लिए स्ट्रेट लाइन में अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो लेफ्ट साइड को हम लोग निगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, और इसीलिए ए का पोजीशन क्या होगा, प्लस 5 मीटर, प्लस का मतलब ये राइट साइड में है, और बी का पोजीशन क्या होगा, माइनस 6 मीटर, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में है। हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो अगर कभी भी यह जानना हो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ हो कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है, तो यह चीज़ जानने के लिए सबसे पहला जो सवाल ये है कि इन दोनों को जो रेस्ट और मोशन में आपको जानना है तो वो किसके रेस्पेक्ट में जानना है, यानी बिना किसी का रेस्पेक्ट लिए हुए आप रेस्ट या मोशन में नहीं बोल सकते हैं। और अगर मान लो किसी का रेस्पेक्ट आप ले लेते हैं कि चलो हम ओ के रेस्पेक्ट में ए को देखना चाहते हैं और ओ के रेस्पेक्ट में हम बी को देखना चाहते हैं, तब क्या देखना होगा, तब आपको ओ के रेस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन देखना होगा। जैसा कि पहले ही जान चुके हो कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मान लिया जाए कि इस के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन हमेशा फिक्स्ड हो, यानी पोजीशन में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा हो, तो इस ओ के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में कहलाएगा। और अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो कि ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है उसमें चेंज हो रहा हो, तो क्योंकि ओ के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज हो रहा है तब ये बी जो है वो हमारा मोशन में कहा जाएगा। हम लोग एक और उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी आगे पोजीशन पे है और बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे पोजीशन पे है। अगर समय के साथ साथ इनके पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, और कह सकते हैं बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। और हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लेते हैं ए जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और इसी प्रकार बी भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब ध्यान यह देना है क्योंकि ना तो ए रुका हुआ है ना ही बी रुका हुआ है, बल्कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए भी मूव कर रहे हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी भी मूव कर रहे हैं, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए भी मोशन में है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी भी मोशन में है। फिर भी अगर हम ए और बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें कि क्या होगा, तो क्योंकि दोनों का स्पीड बिल्कुल बराबर है तो इसलिए हर एक समय में उनके बीच का जो डिस्टेंस है अभी 10 मीटर है और बाद में भी 10 मीटर रह जाएगा, यानी दोनों चल रहा है लेकिन चलने के बावजूद भी क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर भी ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा और बी ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल सेंटर पे है, और मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट ए है जो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है
5 मीटर पर सेकंड सर। तो क्योंकि ए एक सर्किल में घूम रहा है तो इसलिए इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए का जो भी डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं 7 मीटर होगा। तो मान लेते हैं टी बराबर 0 पर ये सिचुएशन है, जैसे ही 1 सेकंड होगा यानी टी बराबर 1 सेकंड, ये जो ए है वो यहाँ पे चला आएगा और अभी भी इसका डिस्टेंस 7 मीटर ही है। अगर कुछ समय बाद देखेंगे तो ये ए जो है वो फिर इस पॉइंट पे चला आएगा, मान लेते हैं टी बराबर 2 सेकंड पे, और अभी भी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है 7 मीटर ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यह देखते हैं क्योंकि ए लगातार एक सर्किल में घूम रहा है जिसके कारण ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है ना। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ओ के साथ ए का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है ना, यानी उसके पोजीशन में बदलाव आ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोजीशन में दो चीज़ होता है, कौन कौन, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सभी का क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, बदलाव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओ के रेस्पेक्ट में ए मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है, भले ही ये मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि ये मोशन एक सर्कुलर लाइन में है। हम लोगों ने डिस्कशन में यह देखा कि रेस्ट एंड मोशन जब भी होगा तो ये दोनों रिलेटिव ही हो सकता है, ये कभी भी एड सॉल्यूट नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर पूछा जाए कि ए क्या है, तो ए रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लो एक ऑब्जर्वर ए वन है और एक ऑब्जर्वर ए टू है, ठीक है, तो अगर ये ए वन जो है वो ग्राउंड पर बिल्कुल स्टॉप है लेकिन जो ए टू है वो ग्राउंड पर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और ए भी यहाँ पे हम स्टॉप लेते हैं, तो क्या होगा, ये ए वन और ए इन दोनों का जो बीच में पोजीशन है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इसलिए ये जो होगा वो ए वन के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, रेस्ट में होगा। लेकिन क्योंकि यह जो ए टू है वो खुद आगे की ओर जा रहा है, मतलब कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, तो क्योंकि ए टू का लगातार मूवमेंट होने के कारण खुद का पोजीशन बदल रहा है और इसलिए ए टू के रेस्पेक्ट में अगर इसके पोजीशन को देखा जाए तो ए टू के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हर समय बदलता है। जब ए टू यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे होने पे डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे होने पे डिस्टेंस इतना है, तो क्या है, ए टू के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन में बदलाव हो रहा है। मतलब यही ऑब्जेक्ट ए टू के रेस्पेक्ट में मोशन में है और यही ऑब्जेक्ट ए वन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि एक ही समय में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और रेस्ट के साथ साथ मोशन में भी हो सकता है ना। यानी यह डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ऑब्जर्वर पर, कि इसको किस तरह का ऑब्जर्वर देख रहा है। किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में भी कहा जा सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये मोशन में भी कहा जा सकता है।